तो गोपाल शेट्टी के घर के बाहर जैसे कि कांग्रेस ने कल ऐलान किया था, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में गोपाल शेट्टी के घर के बाहर मौजूद रहे और आंदोलन किया गया, घोषणाबाजी की गई। लेकिन इस दौरान जो है गोपाल शेट्टी के घर के बाहर भाजपा के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद रहे, पुलिस बंदोबस्त भी टाइट रही। भाजपा के नेता प्रवीण दरेकर भी वहां पर मौजूद थे। तो वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भाई जगताप को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में भी लिया। काफी तनाव भरा माहौल जो है वहां पर उत्पन्न हो गया था। ये तस्वीरें मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप को पुलिस ने हिरासत में लिया। गोपाल शेट्टी के घर के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर कल ही चेतावनी दी थी कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने भी साफ तौर पर कहा था कि आप आओ आंदोलन करो, हम आपका स्वागत करेंगे। और इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता भी गोपाल शेट्टी के समर्थन में भारी संख्या में मौजूद थे। कांग्रेस के खिलाफ इस दौरान जो है वो घोषणाबाजी की गई, नारेबाजी की गई। ये तस्वीरें, ये आवाज, ये बयानबाजी, ये घोषणाबाजी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके का माहौल जो है गोपाल शेट्टी के घर के बाहर अभी से कुछ ही देर पहले जो है वो उत्पन्न था, और किस तरीके से जो है वो पूरे मामले को जो है शांत किया गया। पुलिस बंदोबस्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस सिक्योरिटी वहां पर उत्पन्न थी, ताकि कोई भी ऊंच नीच ना हो जाए, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए। अगर साफ तौर पर देखें तो कल शिवसेना ने धमाल मचाया था और आज कांग्रेस ने सांसद गोपाल शेट्टी के घर के बाहर कोयसा स्थित घर, कोयसा जिमखाना आपको साफ तौर पर तस्वीरों में भी नजर आएगा। तो वहां पर जो उनका घर है उसके बाहर, ये ब्लू इंप्रेस बिल्डिंग के पास उनके घर के बाहर जो है वो जोरदार मोर्चा निकाला गया, आंदोलन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के खिलाफ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आए इस दौरान, और आंदोलन करते वक्त मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। ये तस्वीर उस वक्त की जब मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप को पुलिस हिरासत में ले रही थी, और तमाम कार्यकर्ता जो वहां पर आंदोलन में थे उन्हें भी, प्रदर्शन जो कर रहे थे उन्हें भी पुलिस ने पुलिस वैन में लेकर पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करते हुए लेकर गए। और लेकिन हालांकि फिलहाल की अगर बात की जाए तो सभी को छोड़ दिया गया है। यह आप आवाजें साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से तनाव भरा माहौल वहां पर पैदा हो गया था। हालांकि आज जो है ये आंदोलन से पहले भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया था। भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भी साफ तौर पर कहा था कि मैं कांग्रेस से डरता नहीं, मैं किसी के चेतावनी से डरता नहीं, आने दो, हम उनका स्वागत करेंगे। और उसी कुछ खास अंदाज में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है वो वहां पर मौजूद थे। भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के समर्थन के लिए तस्वीरों में आप साफ देख सकेंगे कि प्रवीण दरेकर सहित कई अन्य भाजपा नेता के बड़े कदावर नेता भी सांसद गोपाल शेट्टी के साथ वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सांसद गोपाल शेट्टी और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। भाजपा के समर्थन, गोपाल शेट्टी के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहे। हालांकि फिलहाल जो है प्रदर्शन खत्म हो चुका है और स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है।